गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है मेंसुरेशन। ओके, हम ये भी देखेंगे मेंसुरेशन होता क्या है। मेंसुरेशन का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है सर्कल। सो ऑन द बिहाफ ऑफ एसोसिएशन फॉर एजुकेशन रिफॉर्म वी आर डिलीवरिंग दिस लेक्चर टू यू and I hope this will help to revise your subject and also to gain your confidence, जो आपके चैप्टर को रिवाइज करने में भी और आपके कॉन्फिडेंस को भी बिल्डअप करने में हेल्प करेगा आपके एग्जाम से रिलेटेड। सो ये टोटली क्लास 10th का ट्यूटोरियल है और इसके पहले हमने बहुत सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड भी किए हैं और आपको इजीली यूट्यूब पे अवेलेबल भी होगा। सो आप वहां से जाके सारे लेक्चर को रिवाइज कर सकते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी। हमारा मोटिव है इस लेक्चर को डिलीवर करने का कि आपका जो क्वेश्चंस डील करने का तरीका है वो क्लियर होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अब स्टार्ट करते हैं हम। दिस इज अबाउट मी, माई सेल्फ मुकेश कुमार यादव एंड आई एम ए पोस्ट ग्रेजुएट M.Tech from IIT Delhi. Currently, I am a working professional. My hobbies जो है वो teaching है, swimming है and books reading है and this is me. So ये हमारे लिए ज़्यादा important नहीं है, हमारे लिए जो important है हम उसमें move करते हैं। हम देखते हैं सबसे पहले syllabus। हम in every lecture ये syllabus मैं आपको present करता हूँ so that आपको थोड़ा remind हो कि कौन सा topic important है। तो देखिए यहाँ पे algebra आपको important दिखेगा, यहाँ पे ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट दिखेगा, ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट दिखेगा और उसके बाद आता है मेंसुरेशन। सो हम लोग अलजेब्रा कवर कर चुके हैं, ज्योमेट्री कवर कर चुके हैं और ट्रिग्नोमेट्री कवर चुके हैं। देखिए ये चैप्टर्स पढ़ने के बाद ही आपको ये मेंसुरेशन के लिए हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करने वाले हैं, ज्योमेट्री यूज करने वाले हैं। सो अब स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन। सबसे पहले हम अगर ये देखें कि व्हाट इज मेंसुरेशन, देखिए ये नया वर्ड है, आप लोगों ने अपनी बुक में पढ़ा भी होगा, लेकिन अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो मेंसुरेशन का मतलब होता है मेजरमेंट। इट मींस अगर कोई भी ज्योमेट्री हो, कोई ग्राफ हो, डायग्राम हो, कुछ भी हो, उसके मेजरमेंट के लिए जो भी हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो आता है अंडर मेंसुरेशन। तो जो सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है सर्कल। देखिए सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो हम सर्कल को समझते क्या है, सर्कल होता क्या है। देखिए सर्कल अगर मैं आपको जब मैं लाइन पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था कि लाइन क्या होती है, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट को अगर हम कनेक्ट कर देंगे तो एक लाइन बनेगी। ओके, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन को हम कनेक्ट करेंगे तो एक लाइन बनेगी। इसी प्रकार जो सर्कल होता है, सर्कल का एक सेंटर होता है, सपोज दैट इज सर्कल का सेंटर है और इस सर्कल पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट सर्कल पे हैं, ठीक है, दीज आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट। तो अगर मैं एक पॉइंट से जिसको हम क्या बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है, हम बोलते हैं इसको ओरिजिन, अगर इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को मैं ड्रॉ करूं, इक्वल डिस्टेंस पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट को ड्रॉ करूं तो जो अगर उन पॉइंट को मैं कनेक्ट करूंगा तो क्या बनेंगी, ये एक सर्कल बनेगा, ठीक है, ये सर्कल बनेगा। तो जो इक्वल डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस, इसी को हम बोलते हैं रेडियस, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर आर स्मॉल आर, ठीक है। और जो जब हम पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो हमें एक बाउंड्री मिलती है, ये क्या है, बाउंड्री है, इसको बोलते हैं हम सरकमफेरेंस। ओके, सरकमफेरेंस। तो सर्कल क्या होती है, सर्कल जब हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स जो
इक्विडिस्टेंस पे हो फ्रॉम ए पॉइंट, फ्रॉम ए पॉइंट जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं, और उन पॉइंट्स को अगर हम कनेक्ट करेंगे तो जो कर्व बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, या जो क्लोज कर्व बनेगा उसको हम बोलते हैं सर्कल। तो इस डायग्राम को बोलते हैं हम सर्कल। ओके, लाइन में भी मैंने यही बताया था। अब सर्कल के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, जैसे आर्क। आर्क क्या होता है, सर्कमफेरेंस पे अगर दो पॉइंट, जो कि कहां वो तो इक्विडिस्टेंस होंगे ही क्योंकि ये एक सर्कल है, दो पॉइंट का को जो कर्व ज्वाइन करता है हम उसको बोलते हैं आर्क। और जब हम सेंटर से उन पॉइंट्स को एक लाइन ड्रॉ करते हैं और जो एरिया होती है उसको हम बोलते हैं, ये एरिया जो हो गई उसको क्या बोलते हैं, सेक्टर। ओके, ये बहुत क्लियर होना चाहिए। अब अगर कोई भी दो पॉइंट जो ओरिजिन से नहीं रिलेटेड है, अगर कोई भी दो पॉइंट किसी सर्कल के सर्कमफेरेंस पे अगर जो मैं उसको ज्वाइन करूंगा किसी लाइन से, उसको हम बोलते हैं क्वाड। और जो वो लाइन सेगमेंट, जो लाइन है जो सर्कमफेरेंस से जो एरिया कवर करती है उसको बोलते हैं सेगमेंट। देखिए बहुत क्लियर होना चाहिए, आर्क क्या होता है, आर्क होता है सर्कल के सर्कमफेरेंस पे अगर दो पॉइंट को ज्वाइन करने पे जो कर्व मिलता है, ठीक है, ये जो है उसको हम बोलते हैं आर्क। और किन्हीं दो पॉइंट को, पॉइंट वन और पॉइंट टू, ये सर्कमफेरेंस पे, पॉइंट सर्कमफेरेंस पे हैं लेकिन जो कर्व बनता है वो एक क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, क्वाड बोलते हैं। और जो एरिया इंक्लोज होता है आर्क के द्वारा, अगर उस आर्क के जो एंड पॉइंट को हम ओरिजिन पे ज्वाइन करते हैं और जो एरिया बनती है उसको क्या बोलते हैं, सेक्टर। और जो दो पॉइंट जो क्वाड है और सर्कमफेरेंस का जो एरिया होती है उसको बोलते हैं हम सेगमेंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है। अब देखिए सर्कल, सर्कल को स्टडी करने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक थ्योरम्स होती हैं। देखिए अगर ये बेसिक थ्योरम दो आपको समझ में आ जाएंगी तो आप कोई भी क्वेश्चन डील कर सकते हैं। पहला जो थ्योरम है, थ्योरम नंबर वन, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब ये बोल रहा है कि किसी भी इस सर्कल पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है। ओके, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है, ये सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है। ओके, किसी भी पॉइंट पे अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, अब यहां पे मैंने एक वाई एक्स जो है ये टेंजेंट है वो ड्रॉ किया हूं, वो पॉइंट पी को टच कर रहा है, ठीक है। अगर इसको मैं रेडियस से ज्वाइन करता हूं तो जो एंगल बनेगा उस लाइन का और ये रेडियस का वो होगा क्या, परपेंडिकुलर। तो ये पहला हो गया। अब देखिए इसमें एक चीज और है कि सर्कल पे, सर्कल पे अगर हम ऑलवेज कोई टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमेशा एक पॉइंट से ही हो जाएगा। ओके, कोई भी आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो एक पॉइंट से ही जाएगा। तो ये आपको ये आपको क्लियर होना चाहिए, ऑलवेज इट विल गो फ्रॉम वन पॉइंट, ये कई पॉइंट पर टच नहीं करेगा। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सो टेंजेंट, टेंजेंट, टेंजेंट ऑलवेज पास फ्रॉम ए पॉइंट। ओके, सेकेंड, सेकेंड हो गया, ये परपेंडिकुलर तो होता ही है, सेकेंड हो गया टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस। ओके, और इसको जो पॉइंट है उसको पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बोलते हैं। तो ये पहला थ्योरम है। जो सेकेंड थ्योरम आती है इसमें वो क्या बोलती है, सेकेंड थ्योरम है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। अब देखिए P इज ए एक्सटर्नल पॉइंट, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है। ओके, P,
अब इस पी से अगर ये सर्कल पे हम कोई भी दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट एक हो गया ये पी क्यू, ओके, और एक हो गया ये पी से जा रहा है, सॉरी, एक जाएगा पी से, एक पी से आर को होते हुए जाएगा। तो ये सर्कल को एक यूनिक पॉइंट क्यू पे टच कर रहा है और एक यूनिक पॉइंट आर पे। तो द लेंथ पी क्यू इक्वल टू पी आर, ये क्लियर होना चाहिए। और अगर मैं क्यू को ओ से कनेक्ट करूंगा तो जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो एंगल पी क्यू ओ इक्वल टू एंगल पी आर ओ इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री। ये हमने पहले थ्योरम में देखा कि कोई भी टेंजेंट अगर हम सर्कल पे ड्रॉ कर रहे हैं जो एक यूनिक पॉइंट से होगा तो वो, अगर मैं रेडियस को ज्वाइन करता हूं ओरिजिन से, तो हमेशा 90 डिग्री बनाएगा। तो ये दो थ्योरम है, ये दो थ्योरम की हेल्प से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक को समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब हम आगे पढ़ेंगे मेंसुरेशन में, जहां पे हम कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, एरिया पढ़ेंगे, लेंथ निकालेंगे, वहां पे इसका बहुत ही यूजफुल और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हम देखेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत छोटा टॉपिक है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है ये, 2021 में आया हुआ है। इन फिगर वन, ट्रेंगल ए बी सी इज सर्कम स्क्राइबिंग ए सर्क। देखिए सर्कम स्क्राइबिंग ए सर्कल, एक ये ट्रेंगल है और यहां पे एक हम सर्कल बनाते हैं। परफेक्ट, यहां पे ए बी सी, सर्कम स्क्राइबिंग का मतलब होता है इसके सर्कमफेरेंस पे इसके ट्रेंगल की जो तीनों साइड्स हैं वो टच कर रही है, मतलब पूरा कवर कर रहा है। सर्कम स्क्राइबिंग का मतलब यह होता है कि सर्कल इज इनसाइड द ट्रेंगल टचिंग द साइड्स। द लेंथ, अब बोला है कि द लेंथ ऑफ बी सी, अब देखिए लेंथ ऑफ बी सी निकालना है यहाँ पे, ओके। तो लेंथ ऑफ बी सी क्या है, लेंथ ऑफ बी सी आपका ये है, ये हमें निकालना है। अब देखिए पॉइंट ए, पॉइंट ए से एक टेंजेंट ड्रॉ हुआ है जो सर्कल को पॉइंट पी पे टच कर रहा है, और एक और टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है ए सी जो क्यू आर पे टच कर रहा है। तो हमने ये देखा है कि अगर किसी पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं जो किसी सर्कल को दो यूनिक पॉइंट पर टच करते हैं तो दोनों का लेंथ सेम होगा। तो अगर मैं यहां से देखूं कि एपी इक्वस टू, एपी इक्वस टू क्या लिख सकता हूं, एपी इक्वस टू ए आर। देखिए एपी इक्वस टू क्या है, 4, तो ए आर इक्वस टू भी 4 हो जाएगा। अब दिया हुआ है ए सी, ए सी इक्वस टू 11, तो आर सी इक्वस टू कितना हो जाएगा, 11 माइनस 4, ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब ये आ गया 7 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए क्या, बी सी, बी सी इक्वस टू कितना हो जाएगा, बी क्यू प्लस सी क्यू। अब देखिए अगर पॉइंट बी को मैं लेता हूं, पॉइंट बी से दो टेंजेंट ड्रॉ हुए हैं बी ए और बी सी जो एक यूनिट पॉइंट पी पे और क्यू पे टच करते हैं। इट मींस बी बी पी इक्वल टू बी क्यू लिख सकते हैं थ्योरम के हिसाब से, ओके। सो बी पी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो बी क्यू इक्वल टू भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमें बी क्यू मिल गया, हमें क्या चाहिए, सी क्यू चाहिए।
अब देखिए, अगर पॉइंट सी से एक टेंजेंट ड्रॉ हुआ, सी ए जो आर पे टच कर रहा है और सी बी जो है क्यू पे टच हो रहा है, सो आर सी इक्वस टू सी क्यू। अब देखिए आर सी इक्वस टू यहां पर निकाल दिया कितना 7 सेंटीमीटर, तो सो सी क्यू इक्वस टू कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब मुझे निकालना है बी सी, तो बी सी इक्वस टू कितना हो जाएगा बी क्यू प्लस सी क्यू। बी क्यू कितना है 3 प्लस सी क्यू कितना है 7, टोटल कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो जब आंसर होगा वो होगा 10। थ्योरम की हेल्प से हमने ये देख लिया। अब मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन, ओके, टू टेंजेंट टीपी, टू टेंजेंट टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन टू ए सर्कल विद ए सेंटर ओ। ये सेंटर ओ इसका सर्कल का सेंटर है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी, एक्सटर्नल पॉइंट टी है। प्रूव दैट एंगल क्यू, एंगल पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू इज टू टाइम्स एंगल ओ पी क्यू, एंगल ओ पी एंड क्यू। ठीक है, अगर ये मान लेता हूं कि ये थीटा है तो ये बोलना प्रूव करो कि टू थीटा होगा। ठीक, अब इसको हम ये ऐसे देखते हैं, ओके, देखिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ये देखते हैं कि हमको समझना है। अब मैं ये देखूं एंगल टी पी क्यू इक्वस टू एंगल टी क्यू पी। अगर मैंने मान लिया है, मैंने यहां पे माना है कि एंगल, एंगल ओ पी क्यू इक्वस टू थीटा, ये मैंने ज़ूम किया हुआ है। तो अगर ओ पी क्यू इक्वस टू थीटा है और हमने ये देखा है कि अगर टेंजेंट से एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे कहाँ ओरिजिन पे, तो कितना बनाएगी 90 डिग्री, क्योंकि ट्रेंगल टी पी ओ इक्वस टू कितना है 90 डिग्री। सो अगर मैं ये उठाऊं यहां से एंगल टी पी क्यू इक्वस टू एंगल टी क्यू पी कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा, क्योंकि 90 होता है, हमने ये थीटा ज़ूम कर लिया, तो ये एंगल कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा। अब आगे देखते हैं, अब मैं लेता हूं ट्रेंगल, ट्रेंगल इन ट्रेंगल टी पी क्यू, इन ट्रेंगल टी पी क्यू, देखिए टी पी क्यू ये हो गया आपका 90 माइनस थीटा, तो ये भी कितना होगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, सो टू 90 माइनस थीटा प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल टू कितना 180, ये तीनों ट्रेंगल, ये और ये, सो यहां से 180 माइनस 2 थीटा प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे जो हमें मिलेगा एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 2 थीटा। यही तो प्रूव करना था, ये तो मैंने यहां पे लिखा था कि ये प्रूव करना है, और आप देखेंगे यहां पे आपको ये मिल गया, सो ये आपको शो करना है, ओके, एंगल पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 2 थीटा, क्योंकि हमने थीटा माना है, वो माना है ओ पी क्यू को, ओ पी क्यू को मैंने थीटा माना है। अब मूव करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि थ्योरम का यूज कैसे है। मैंने डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन उठाए हैं इजी से डिफिकल्ट की तरफ,
इन फिगर थ्री, ये फिगर थ्री है, पी क्यू, पी क्यू एंड आर एस आर टू पैरेलल टेंजेंट टू ए सर्कल विथ सेंटर क्यू, ये सेंटर क्यू है, सॉरी सेंटर ओ, एंड अनदर टेंजेंट ए बी, एक टेंजेंट ए बी भी ड्रॉ हुआ है विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी है जो सर्कल को इंटरसेक्टिंग पी क्यू एट ए, पी क्यू को ए पे कनेक्ट कर रहा है एंड आर एस एट बी, प्रूव दैट ट्रेंगल ए ओ बी, ट्रेंगल ए ओ बी, ये ट्रेंगल प्रूव करना है, मतलब ये एंगल, सॉरी ये एंगल जो है इसको प्रूव करना है, ये जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री। अब देखते हैं सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन इसमें कुछ नहीं है, बस थ्योरम का यूज करना है और इजीली आप इसको समझ जाएंगे। स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, ये और एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, ये दोनों पैरेलल हैं, ये इसका ओरिजिन है, ये हो गया पी, पी क्यू एंड इधर आर एस। अब यहां पे, यहां से ये हो गया ओ, एक और टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है जो पी क्यू को ए पे कट करता है और आर एस को बी पे, और जो ये पॉइंट ऑफ सी है। तो ये बोल रहा है अब कि जो जो ट्रेंगल है, जो ट्रेंगल है वो कौन सा है, ट्रेंगल सॉरी एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी कितना होगा 90 डिग्री, प्रूव करना है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ इसको सॉल्व करने के लिए, इजी तरीका अपनाते हैं हम। मैंने इस लाइन को ज्वाइन कर लिया, आपको पता है कि कोई भी टेंजेंट जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से अगर ओरिजिन को हम मैच करेंगे तो जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा 90 डिग्री, क्लियर है। अब यहाँ पे ये डी पे कनेक्ट कर रहा है, यहाँ पे ई पे कनेक्ट कर रहा है, मैंने इसको भी ज्वाइन कर लिया। अब देखिए ये भी 90 डिग्री है, तो मैं एज्यूम करता हूँ, सपोज दैट ये एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ओके, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी क्या है, एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब देखिए पॉइंट ए से एक टेंजेंट ड्रॉ हुआ जो सी को कट कर रहा है और पॉइंट ए से सेम ही टेंजेंट जा रहा है जो डी पे कट कर रहा है, ठीक है। तो जो एंगल बनाएगा, जो एंगल बनेगा मींस यहां पे एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ डी एंगल ए ओ सी, क्यों, क्योंकि लेंथ सेम है, लेंथ सेम है ना, यहाँ पे मैंने बताया ना कि अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उनका लेंथ सेम होगा, ठीक है, और लेंथ सेम होगा तो इट मींस एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। सिमिलरली अगर मैं कंसिडर करूं बी से, तो बी से एक टेंजेंट सी गया है और एक टेंजेंट ई गया है, तो एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू एंगल बी ओ ई, इट मींस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, और मैं इस अगर मैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 लिखूं तो कितना हो जाएगा 180। देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, सो मैं लिख सकता हूं एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3 है, तो इक्वल टू 180, यानी 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। तो यहां से मुझे निकलेगा
एंगल टू प्लस एंगल थ्री इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल टू प्लस एंगल थ्री क्या है, यही तो है आपका एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपका सॉल्यूशन है। देखिए कैसे है, यही तो है ना, टू और थ्री मिला के यहाँ पे ये जो है यही तो है आपका, ठीक है। तो हमने इसको देखा यहाँ पे, तो बेसिक आप थ्योरम यूज करके, बेसिक थ्योरम, ये दो ही थ्योरम है आपकी, दोनों के हेल्प से आप कोई भी सर्कल का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जहां पे आपको एंगल निकालना हो, डिस्टेंस निकालना हो, वो इजीली आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर हम यहाँ पे खत्म करते हैं, ये छोटा सा लेक्चर है लेकिन आगे आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आपको कोई भी कुछ डाउट होगा या कुछ होगा तो आप इस पे, ठीक है, थैंक यू एंड स्माइल ऑलवेज, ओके।